अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ अहम तरीन अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। तो फाइनली जनाब पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी और कौमी चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर खामोशी तोड़ दिया है। तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर की खबर जब से गर्दिश कर रही है, समझिए मोहम्मद आमिर टॉप ट्रेंड इस वक्त कर रहे हैं कि आमिर की वापसी होगी नहीं होगी। तो चीफ सिलेक्टर ने कल ही क्लियर कर दिया था कि हमने भाई मोहम्मद आमिर के साथ तो कोई इस मुतालिक तो रब्ता किए नहीं, उनकी टीम के अंदर हम वापसी करवाने जा रहे हैं। अलबत्त ये बिल्कुल सबके लिए हमारा मैसेज है कि भाई सारे टीम के अंदर वापसी कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इस मैार की होनी चाहिए कि सामने वाले को बीट कर सके। यानी कि मोहम्मद आमिर की वापसी इसी सूरत में होगी कि मोहम्मद आमिर कंपिटिशन में यानी कि टफ टाइम दें जो उनके अदर कंपटीशन वाले बॉलर हैं, जिस तरह एहसानुल्लाह की हम बात करते हैं, हारिस रऊफ की बात करते हैं, नसीम शाह की बात करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है एक बड़ी स्टेटमेंट जो आई है ना, मैं समझता हूं कि इसके अंदर पावर बड़ी है। ये वैल्यूएबल स्टेटमेंट है, ये किसी और की नहीं है बल्कि ये राशिद लतीफ साहब की स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि मैं दुनिया घूमा हूं लेकिन मोहम्मद आमिर जैसा बेहतरीन बॉलर आज भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें नजर नहीं आया। यानी कि मोहम्मद आमिर अभी भी इतना ज्यादा स्किलफुल है, अभी फिटनेस का बड़ा इशू है, लेकिन यानी कि इतनी बुरी फिटनेस के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा स्किलफुल बॉलर नजर आता है। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा स्किलफुल बॉलर मोहम्मद आमिर को बताया। उनका कहना है कि अगर यानी कि मेरा इख्तियार होता कि अगर आमिर भी स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट होता तो मेरे जो तीन तेज गेंदबाज होते तो मैं एहसानुल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के साथ कंटिन्यू करता। जो मेरी मतलब प्लेइंग 11 बनती तो मैं एहसानुल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के साथ मैदान में उतरता। तो ये उनकी भाई बड़ी स्टेटमेंट है कि मोहम्मद आमिर आज भी स्किलफुल बॉलर है। इसके अलावा नजम सेठी ने भी कह रखा है कि भाई सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी प्लेयर यानी कि बाहर भटक रहे हैं, जो दावा करते हैं कि हमें जी मौका नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस दिखाएं, कम से कम आपकी परफॉर्मेंस इस मेयार की हो कि आप सामने वाले को बीट तो कर पाए, तो आपको मैं देखता हूं कि फिर कौन टीम के अंदर यानी कि कौन टीम के टीम में शामिल नहीं करता। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। लेट्स सी, देखते हैं आमिर के लिए भी ओपन डोर्स हैं, इस वक्त भी आमिर को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार अचानक सब्सक्राइब।